एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मेरे चैनल से रिलेटेड, मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस और जो कंटेंट होने वाला है उससे रिलेटेड। स्पेशली जो मेरी हैशटैग बीबोल्ड प्लेलिस्ट है उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ रहोगे कि चैनल में ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और क्या रीज़न है, क्या आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और आप मेरे फादर की हेल्थ के बारे में मुझसे पूछ रहे थे अपडेट की, वो अब कैसे हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जैसे कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं और अभी वो फिलहाल घर पे भी आ गए हैं। और ये आप सब आप लोगों की प्रेयर की वजह से हुआ है। यस, ये मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, आ जाओ आप भी। तो ये कैमरे के पीछे से बोल रहे थे, ये है मेरे पति देव तनुज। क्या कह रहे थे आप? हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आप लोगों का थैंक यू कहने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों की विशेष की वजह से हमारे डैडी अब ठीक हैं, पहले से रिकवर कर रहे हैं, घर आ चुके हैं, होम क्वारंटीन में हैं। वी थैंक यू सो मच, रियली रियली थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन छोड़ के हमारे लिए प्रे किया, टाइम निकाला। यस, थैंक यू। और अनाउंसमेंट जो है वो एक्चुअली हम दोनों ने ही डिस्कस करी है, कुछ चेंजेस प्लान करे हैं। आप बताओगे मेरे साथ? हाँ श्योर। हाँ ओके। तो एक तो ये है कि हमारे चैनल ना बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है अभी, आप लोगों को पता ही है, वो तो कुछ छुपा नहीं है। वेरिफिकेशन कोड हमें मिल चुका है और जो सिल्वर प्ले बटन है वो भी ऑन द वे है। मुझे ईमेल आ चुकी है उसकी, कोरियर कंपनी से हमारे पास कॉल भी आ गया है, वो शायद नियर बाय वेसिनिटी में पहुंच गया है। देखते हैं, शायद एक दो दिन में या चार पांच दिन में डिलीवर हो जाएगा। उसके लिए कुछ वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट थी जो कर दी गई है पूरी। यस, वो कस्टम क्लियरेंस होता है ना, वो सब हो गया है और आ जाएगा बस हमारे पास। और मैं वो भी वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगी कि हमने से कैसे ओपन किया। तो मोटी मोटी सी बात ये है कि काफी ज्यादा भी चेंजेस हो रहे हैं। अभी हमारा चैनल सिर्फ एक जो कैजुअल चैनल होते हैं बस ऐसे ही मैंने शौक में बनाया था वो, लेकिन अब आई थिंक ये एक प्रोफेशनल बन गया है मेरे लिए और एक ये थोड़ा सा सीरियस होके मुझे इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सब भी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है कि आप लोगों ने मिलकर तनुश्री एंड फैमिली को रियली एक फैमिली भी बनाया और अब ये एक ब्रांड की तरफ बढ़ गया है। कहां हमने जीरो से शुरू किया था, राइट नाउ वी आर एट कितने सब्सक्राइबर्स? आई थिंक लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख फैमिली मेंबर्स हैं। इट्स अराउंड 2.33 समथिंग, तो 2.5 लाख राउंड ऑफ फैमिली मेंबर्स हम ले सकते हैं, जिस वजह से हम लोगों ने आपके कुछ फीडबैक्स को भी काफी सीरियसली और पॉजिटिवली लिया है। आप लोग पिछली काफी कुछ वीडियो से साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को लेकर के कंप्लेंट कर रहे थे। आई एम श्योर आने वाली वीडियोज में हमारे इस सरप्राइज की वजह से वो ठीक हो जाएगी। यस, मैंने कैमरा ले लिया है फाइनली, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है। और जहां तक आप साउंड क्वालिटी की बात कर रहे थे, मैंने इस फोन में माइक इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे कैमरा लेना ही था, तो अब मैं इसके जो भी कंपेटेबल होगा वो माइक लूंगी, अच्छा माइक लूंगी और वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी दोनों ही इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि अभी मुझे ठीक से भी ऑपरेट करना नहीं आता। आज ही मुझे अभी कुछ एक दो घंटे पहले ये मुझे मिला है, तो मैं थोड़ा सा मुझे इसे सीखना है कैसे ऑपरेट करना है, सारी फंक्शनिंग वगैरह सीखनी है, शायद उसमें थोड़ा सा टाइम लगे। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं गाइस आने वाले कंटेंट की कि इस न्यू ईयर में 2021 में आपको किस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा, हमारी क्या प्लानिंग है चैनल को लेकर के, सो दैट किसी भी तरह का आप लोगों से कुछ भी छुपा ना रहे। सबसे पहले तो जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मोटिवेशनल वीडियो क्यों नहीं आ रही या स्किन केयर और हेयर केयर की वीडियो भी बनाओ, मैं बनाना चाहती हूँ सीरियसली। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ध्यान ही नहीं है इस तरह की रिक्वेस्ट पे, बट पॉइंट बस ये है कि मैं थोड़ा सा अभी पैक्ड फील कर रही हूँ कि फ्राइडे को सिर्फ हैशटैग बीबोल्ड ही आएगी, संडे को सिर्फ कॉमेंट चर्चा ही आएगी, उसके अलावा दिन बचते हैं मेरे पास मंडे और वेडनेसडे ओनली। तो दो दिन में फिर टीनेज भी है, कपल स्पेशल भी है और भी इतनी सारी मेरी प्लेलिस्ट है, तो सिर्फ दो दिन में उनपे मैं सब पे काम नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए 2021 में आप लोगों के लिए आने वाला एक सरप्राइज एलिमेंट विच इज वीडियोस उसी शेड्यूल पे आएंगी, पर कुछ डेडिकेशन नहीं है। जैसी डिमांड होगी, जैसी हमारे पास पाइपलाइन में रिक्वेस्ट होंगी, उस हिसाब से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, पर कोई डेडिकेशन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि संडे को कमेंट चर्चा ही होगा या फ्राइडे को बी बोल्ड ही आएगा। बी बोल्ड से हमारा कहने का मतलब ये भी है एक कि बी बोल्ड को लेकर के हम लोगों ने एक नोशन अजीब सा नोटिस किया है। आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? या मतलब एक किसी ने कमेंट भी किया था ये कि इस वीडियो में तो बोल्ड जैसा कुछ था ही नहीं, या फिर तुम्हारे चैनल पे ना सिर्फ इस तरह का अडल्ट कंटेंट ही आता है, या फिर हैशटैग बी बोल्ड जो ये प्लेलिस्ट है ये इसमें सिर्फ इसी तरह की बातें होती हैं, बोल्ड का मतलब ही यही है कि इस तरह का अडल्ट कंटेंट बनाना।
वी आर सॉरी अगर आप अपने किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हो और आप उसको बी बोल्ड समझते हो तो सॉरी. बी बोल्ड एक स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ शुरू किया था हमारा, उसके पीछे एक डिस्कशन था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पे एज अ फैमिली डिस्कशन होना चाहिए जो हम अपनी इमीडिएट फैमिली से नहीं कर सकते. सो हमने उस नोशन से बी बोल्ड शुरू किया था. हमारा नोशन कभी भी अडल्ट थिंग्स या अडल्ट डिस्कशंस करने का नहीं था. हमारी जितनी भी वीडियोस जितने भी टॉपिक पे हैं उन सब पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की एजुकेशन अवेलेबल है. सो आपको अपनी फैंटेसी से बाहर आना पड़ेगा. सेकेंडली हाँ, मैं हर तरह की वीडियोस अपनी वाइफ को शूट करने के लिए हर टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए सपोर्ट करता हूँ, बट डिग्निटी मेंटेन करना आप लोगों के भी हाथ में है. प्लीज, अब इट्स हाई टाइम. वी आर अ फैमिली, ग्रोइंग फैमिली. वी आर गोइंग टू बी अ ब्रांड. आप लोग कमेंट्स करते हो, आप लोग कंप्लेंट्स करते हो कि कमेंट सेक्शन ठीक नहीं है, वल्गर कमेंट्स है, आप भी तो उसको रिपोर्ट कर सकते हो. रिपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है. और चलो आपका अग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है किसी समझ में आता है. एक फीमेल कमेंट करती है उसके पीछे पहुंच जाता है कि व्हाट्सएप नंबर दे दिया आपने अपना, इतनी रेस्पिरेशन कर लो, मेरे मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर लो. मतलब कमेंट कौन कर रहा है? आप ही लोग, जनता में से लोग कर रहे हैं ना, तो उसका ब्लेम मुझे क्यों दे रहे हो आप? मैं क्या गलत कर रही हूँ इसमें, ये बताओ. इतनी एस्पिरेशन क्यों है? कहाँ ऐसे गर्लफ्रेंड्स बनती है और ऐसे शादियां होती है? मतलब एक तरफ तो मैच्योरिटी दिखाते हो, दूसरी तरफ कुछ और. फिर देर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ लोग जो कहते हैं कि मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, मेरी इंस्टाग्राम का जवाब नहीं दिया, मेरी ईमेल का जवाब नहीं दिया. आप कितने ऑफनली अपने कमेंट चेक करते हो? मैं आई थिंक रेगुलरली ही करती रहती हूँ. जब भी मैं दिन में कितनी बार, जरा बताओ. बहुत बार मैं रेगुलरली जब भी फ्री बैठती हूँ मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन में किसी ने कुछ गलत कमेंट तो नहीं किया, किसी लड़की को तो नहीं तुम परेशान कर रहे हो, या बहुत ही गलत तरीके से बहुत ही वल्गर कमेंट तो नहीं कर रहे हो. यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा टाइम बैठ के यही देखती रहूं. मैं यही करूंगी तो मैं अपने बाकी वीडियोस पे कैसे काम करूंगी? और भी मेरी लाइफ में बहुत काम है, सिर्फ आपके बैठ के कमेंट्स चेक करना ही नहीं है मेरा मोटिव. प्लीज, वी ऑल नीड टू बी मच्योर. एंड स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया कि मैक्सिमम कमेंट्स का रिस्पांस जाता है, चाहे यही रिस्पांस है कि वीडियो अवेलेबल है, या आपकी क्वेरी का रिस्पांस है कि हम वीडियो बनाएंगे, वी आर थिंकिंग ऑन इट. तो अगर किसी कमेंट का जवाब नहीं दिया गया तो वो डेलिबरेटली जान बूझ के नहीं दिया गया. मेरे दोस्त, थोड़ा मच्योर हो जाओ. सोचो कि आपने ऐसा क्या कमेंट किया था कि जिसपे मैंने रिप्लाई नहीं किया. मैं हर कमेंट का और हर तरह की बदतमीजी वल्गैरिटी का जवाब नहीं दे सकती. थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग तो दिखाओ. ठीक है मैं हर तरह के टॉपिक डिस्कस करती हूँ यहाँ पे, बट वो मतलब नहीं है कि मैं चैट में बैठ के आपके साथ वो चीजें डिस्कस करूंगी, कमेंट में आपके साथ वो चीजें डिस्कस करूंगी, या ईमेल पे और इंस्टाग्राम पे वो चीजें डिस्कस करूंगी मैं आपसे. मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ. मैं आपको, जैसे बहुत सारे लोग अपनी बहन दीदी बोलते हैं मुझे, बहुत सारे लोग मैम रेस्पेक्ट से बात करते हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कुछ ऐसे सेक्शन की बात कर रहे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं. एंड वी आर रियली सॉरी, कुछ ऐसे सेक्शन के लोगों की वजह से हम लोगों ने अपने मेल बॉक्स में ऑनेस्टली सही ध्यान देना बंद कर दिया. वो मेल बॉक्स भरा पड़ा है शिटी ईमेल्स की वजह से. इनिशियली हमारे पास सब अच्छी अच्छी क्वेरीज भी आई थी और हम लोगों ने सारी क्वेरीज को बाय मेल बाय हार्ट जवाब दिया है. हमारे पास भी यही हुआ था कि इंस्टाग्राम पे आप लोग कहते हैं आप जवाब नहीं देती, आप देखती नहीं है. यार इतने हजारों में मेरे पास डीएम अगर आएंगे और उनमें से मैक्सिमम गंदे वल्गर, या तो कोई मुझे डिफेम कर रहा है या फिर कुछ बुरा भला बोल रहा है, गाली दे रहा है, इस तरह के ही मोस्टली होंगे. तो मेरे लिए भी मुश्किल है ना कि उनमें से अगर कुछ अच्छे भी कमेंट हैं, आप में से अगर 10-15 लोगों ने या 15-20 लोगों ने इस तरह के अच्छे कमेंट किए, कुछ जेन्युइन क्वेरी पूछी, तो मेरे वो लिए भी मिस हो जाती है. हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैं कैसे करूं कि यार एक मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी इमोशन है, मैं एक पॉजिटिविटी से काम करती हूं, लेकिन अगर मैं बैक टू बैक इसी तरह के वल्गर वाहियात कमेंट या मतलब इंस्टाग्राम पे इस तरह के मैसेज या ईमेल यही देखती रहूंगी, तो एक मेरे अंदर भी होता है ना कि यार मुझे पढ़ने ही नहीं है फिर. Guys, please grow up, try to understand. और हमें अपना माइंडसेट खोलने की जरूरत है. अगर आप सब हमारे व्यूअर्स इस तरह से रिएक्ट करोगे तो ऑनेस्टली शायद आप हमारे बी बोल्ड का मोटिव ही बीट कर रहे हो. Yes. हमारा मोटिव था एडुकेशन देना, टॉपिक्स को डिस्कस करना, एक टैबू को ब्रेक करना, ना कि डेस्परेशन को प्रमोट करना. वी आर रियली सॉरी.
यस और इसीलिए अभी मैंने एक मेरे कुछ व्यूअर्स के सजेशन को मैंने माना है, और उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी जितनी भी हैशटैग बी बोल्ड की वीडियोस हैं या कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि मुझे अडल्ट सेक्शन में डालनी चाहिए, तो मैंने आपकी बात समझी और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस हैशटैग बी बोल्ड की ऑलरेडी अडल्ट मार्क कर दी हैं। तो बाय मतलब अडल्ट वी मीन वो एज रिस्ट्रिक्शन में एज डाल दी रिस्ट्रिक्शन, गई है। सॉरी यस एज रिस्ट्रिक्शन में मैंने डाल दी है, तो मैंने आपकी ये बात समझी है। दूसरी चीज ये है कि आगे आने वाले हैशटैग बी बोल्ड की जो वीडियोस होने वाली हैं वो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं भी अपनी तरफ से एक और थोड़ा सा एक लाइन मेंटेन करूं। वैसे तो मैं हमेशा से ही एक डिग्निटी मेंटेन करते हुए बिना किसी वल्गर कमेंट का यूज करते हुए ही वीडियो बनाए हैं, पर अभी मैं इस पे और ज्यादा ध्यान दूंगी। एंड यस, हम और भी कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये उस जगह तक नहीं पहुंच पाती जहां ये आज हैं। सो प्लीज, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। और जिन लोगों के माइंड में इस तरह का नोशन है कि यहाँ स्पाइसी मसालेदार फैंटेसी वर्ल्ड मिलेगा, तो वो नहीं है ना, वो हम आपको दे पाएंगे। अगर ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करना है, आप अनसब्सक्राइब प्लीज कर सकते हैं। और आगे से हैशटैग बीबोल्ड में भी जो आप लोग सोचते हैं ना कि इसमें अडल्ट कंटेंट आएगा, तो सॉरी इट्स नॉट फॉर अडल्ट कंटेंट। मेरा चैनल जो है इट्स नॉट फॉर अडल्ट कंटेंट। आई एम जस्ट योर फ्रेंड यार, कि एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप हर चीज डिस्कस कर सकते हो, इसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, वो आपको एक जेन्युइन उसको डिस्कशन का भी तो एक मतलब मोटिव होता है ना, हर चीज डिस्कस कर सकते हो और आप नीचे से कमेंट कर रहे हो। बोलते हुए भी मेरे को ना इस समय वो गुस्सा भी आ रहा है, और आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप ऐसी वीडियोस बना रहे हो। तो लेस क्लोथ्स में बनाओ भाई, भाई हाँ क्या सीन है ऐसे लोगों के बिना कपड़ों अगेंस्ट, के बनाओ, बिना कपड़ों के ऐसे बनाओ। लोगों ओ माय के गॉड, ऐसे लोगों के अगेंस्ट हमने ऑलरेडी साइबर सेल में कंप्लेंट लॉन्च कर दी है, डिफेमेशन सूट्स भी फाइल है, लोगों की वीडियोस भी रिमूव करवाई हैं, और पैरेलली साइबर सेल पे कंप्लेंट्स भी चल रही है। बहुत सून पुलिस ऐसे लोगों को कैच भी करने वाली है। यस बहुत सारे कमेंट को मैंने यूट्यूब पे भी रिपोर्ट किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लॉक भी किया हुआ है, जिनका बैक टू बैक मोटिव ही यही है कि आके सेम तरह का ही कमेंट हर तरह हर वीडियो पे मेरी कर रहे हैं, लड़कियों को कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। उन लोगों को मैंने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है, जो हद से ज्यादा आगे बढ़ गए, जो बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए, उनको हमने आगे साइबर सेल में भी उनकी कंप्लेंट की हुई है। थिंक ऑफ इट ना, आपके मेल होने का बेनिफिट क्या है कि आपके होने की वजह से वहां पे एक फीमेल कमेंट नहीं कर सकती। हमें जेन्युइनली पता ही नहीं है कि हमारे चैनल पे फीमेल रेशियो क्या है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं है। उनको जो वीडियो मिलती है नॉलेजेबल, उन्होंने शायद चैनल बुकमार्क करके रखा, वो आते हैं देखते हैं, वो कमेंट करें, तब हमें पता चलता कि हाँ शायद कुछ फीमेल्स भी हैं। बट सॉरी, लेट्स मूव ऑन विद इट। इस टॉपिक पे बहुत बात हुई, एक लाइन ड्रॉ करते हैं आपस में। वी आर फैमिली मेंबर्स, स्टे लाइक दैट, एक डिग्निटी मेंटेन करो। कमेंट सेक्शन कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब ने मेंशन किया हुआ, फॉलो इट। अब बढ़ते हैं इस तरफ कि अब किस तरह का कंटेंट हमने लाने के बारे में सोचा है, सो दैट आप लोग भी हमें अगर कुछ गाइड करना चाहते हैं तो गाइड। एंड एक चीज और गाइस, प्लीज जो वीडियो चल रही है उसको प्लीज कम से कम देखिए तो सही, उससे रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। वीडियो चल रही है हेल्थ केयर की, आप उसमें घुसा रहे हो हैशटैग बी बोल्ड, आप कहते हो कि मैं आपकी हर वीडियो देखता हूं और लिखते हो हाय तनुषी, कैसा हो सकता है? वीडियो के स्टार्टिंग में ही शी गिव्स अर इंट्रो, वहां पे बताती है कि हाय माय नेम इज शिवानी। इस वीडियो की भी स्टार्टिंग में है 220-230 वीडियो, हर वीडियो के स्टार्टिंग में, हर वीडियो की तो आप शुरुआत कैसे ही देख रहे यहीं हो से होती वीडियो? है यार। ये लोग ना ये करते हैं कि स्किप कर देते हैं कुछ लोग इनमें से, या फिर बहुत सारे लोग कमेंट करके भी देखते हैं कि मैं ना हाई स्पीड पे करके देख रहा हूं। अब हाई स्पीड में कितनी बार ऐसा होता है कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसका जो मतलब है, जो एक्सप्रेशन है, वो शायद आपने कुछ और समझ लिया। आपको वीडियो कैसे समझ आएगी अगर आप उसे हाई स्पीड में देखोगे या स्किप करके देखोगे? मेरे हर इंट्रो जो आता है, हर कुछ वीडियोस में, मोस्टली वीडियोस में इंट्रो होता है, कुछ वीडियो में नहीं होता। इंट्रो जो एक वीडियो चलती है उसमें मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक वगैरह सब मेंशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब मेंशन किया हुआ है। फिर भी कमेंट में आप पूछते हो इंस्टाग्राम आईडी दे दो, ईमेल आईडी दे दो, मतलब चलो डिस्क्रिप्शन नहीं चेक किया। चलो, आपसे इंट्रो मिस हो गया, आपने हाई हाँ स्पीड में देखा, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक। एक जेन्युइन सी चीज होता है, किसी वेबसाइट पे भी जाता, अबाउट, हमारे चैनल के अबाउट में भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ पर अब क्या ही बोलो। अब तो अगर आप
चाहते हो कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, सब कुछ मैं आपको बताऊं, तो आप सीरियस होके वीडियो देखो ना। जो टॉपिक होता है ना, जो जिसपे बात हो रही होती है, सेम वही क्वेश्चन उठा के कॉमेंट सेक्शन में पूछा हुआ होता है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने कितने लोगों को बोला है कि ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाके देख लो। तो आगे से कहा था कि वीडियो का लिंक भेज दो, मतलब इतनी पकी पकाई खानी है तो भाई क्या चल रहा है। लिंक भेज दो भी चलो ठीक है, बहुत से लोग तो बोलते हैं यही कमेंट में हमें लिख के समझा दो। तो भैया मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं मतलब फिर सबसे कंसल्टेशन फीस ले लेती हूँ, सबको मैं या तो पर्सनल गाइड कर देती हूँ या फिर मैं लिख लिख के ही बता देती हूँ। रजिस्टर ऑफिस ले लेते हैं हम, वहाँ पे का एड्रेस दे देंगे, आप लोग आओ कंसल्टेशन फी पे करो ऐसे लोगों के लिए, फिर शायद वहां से ले लो आप लोग। मतलब वी रियली फेल टू अंडरस्टैंड गाइस, प्लीज गाइस, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं जस्ट आपकी एक फ्रेंड हूं, आपकी एक बहन समझ सकते हो मुझे। और उस लिहाज से आप मुझसे अगर बात करेंगे तो मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी, मैं आपकी ईमेल्स को भी सीरियसली लूंगी, पर अगर आप थोड़ी सी मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे तो सॉरी, फिर इस तरह से तो काम नहीं चल पाएगा। यस, क्योंकि अब हम चीजें इग्नोर नहीं करने वाले, अब हम कुछ एक्शंस लेने वाले। यस, और चलो मेन बात पे आ जाते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हम सोच रहे हैं कि एक तो कपल वीडियोस की आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जो लोग बैचलर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है बहुत सारी चीजों को लेके, शादी को लेके, शादी के बाद होने वाली लाइफ को लेके। बिकॉज हमारी शादी को 6 साल हो गया, उससे पहले भी हम 1 से 1.5 साल के बीच करीब रिलेशनशिप में थे, तो वो भी हमने अपना जो टाइम है वो बहुत अच्छे से इंजॉय किया है। उसके बाद हमारी शादी है, हम वी आर हैप्पीली मैरिड, और उसके बाद हमारा एक बेबी भी है, वो भी अभी 4 साल की हो गई है, तो हमें एज अ पेरेंट भी एक्सपीरियंस है। तो उनसे रिलेटेड आई थिंक आपको काफी सारी वीडियोस अब चैनल पे देखने को मिलेंगे। राइट, और ये सब भी एक बी बोल्ड ही है, कितने लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि गर्ल को कैसे प्रपोज किया जाए, शादी के बाद मैं क्या करूं, अपने पार्टनर को कैसे कन्फाइन करूं, कैसे उनसे डिस्कशन आगे बढ़ाऊं। बी बोल्ड इज जस्ट नॉट अबाउट दैट। बोल्ड का मतलब यार आप ना गूगल पे सर्च कर लो, जाके गूगल पे आपको मिल जाएगा कि बोल्ड का मतलब क्या होता है। बोल्ड का मतलब यार प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करना नहीं होता, प्लीज प्लीज समझो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, गूगल पे जाके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। बोल्ड मीन्स कि आपके जो दिल में है, आप खुल के अपने विचारों को, अपने अंदर की चीजों को एक्सप्रेस करो। ये जो शर्म होती है हमें, या फिर हम ये डॉक्टर के पास जाने से जो डरते हैं, हम अपने घर वालों से ही अपने मन की बात अपने नहीं अंदर करते हैं, फियर्स ओवरकम करना। यस, दैट इज कॉल्ड बोल्ड। एंड बी बोल्ड से मेरा मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपने अंदर की चीजों को एक्सप्रेस करें। कोई आपकी प्रॉब्लम है तो मन ही मन घुटते ना रहें, अपने बाथरूम में अपनी प्रॉब्लम्स या बेडरूम तक ही ना रखें, उसे आप खुल के डिस्कस करें। डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर के पास भी जाएं कंसल्टेशन के लिए। एंड वी सीरियसली थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो हमारे साथ हैं और बने हुए हैं, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, बिकॉज आप लोगों के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। और जर्नी अभी एंड नहीं हुई है, अभी तो बहुत आगे, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना। यस, तो गाइस ये सारे डिसीजन जो हमने लिए हैं कंटेंट से रिलेटेड, हैशटैग बी बोल्ड, तो ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे चैनल की जो इमेज बनी हुई है एक, उसे मैं तोड़ू। और ये क्योंकि इमेज मेरा बनाना कभी नहीं था दिमाग में, और ना ही कभी है कि यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन दी जाती है या सिर्फ सेक्स एजुकेशन दी जाती है। अगर दी भी जाती है और दी भी जा रही है तो आगे भी दी जाएगी, बट एक कन्फाइंड वे में, जिस तरह से वो चल रहा है, सिर्फ उसी के लिए आपको नहीं है, अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि शर्म नहीं आती ऐसा कंटेंट क्यों बनाती हूँ, भाई आप भी तो आए हो देखने के लिए। टाइटल पढ़ के आया ना, बिना टाइटल हमारी कोई भी वीडियो शिवानी की ऐसी वीडियो नहीं है जहाँ पे टाइटल में कुछ और हो, थंबनेल में कुछ और, अंदर का कंटेंट कुछ और, तीनों चीजें रिजेंबल करती हैं, बताती हैं। मेरा फोटो भी लगा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी लड़के का फोटो कि मैं तो लड़के की वीडियो देखने आया था, यहाँ पे तो एक लड़की बोल रही है ये सब, नहीं। तुम आते हो टाइटल पढ़ के, तुम आते हो मेरा फोटो देखने, अरे लड़की बता रही होगी मजे आएंगे वीडियो देखने, माइंड सेट ही वही है ना। तो मजे लेने आ रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता दोस्त, कुछ नहीं मिलेगा। मजे लेने आ रहे हो तो ब्लॉक हो जाओगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ बलगर करोगे तो रिपोर्ट हो जाओगे। फिर बाद में मत बोलना कि सॉरी सर ये हो गया वो हो गया, जो एक रीसेंट कंप्लेंट में हमारे साथ हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव। यस, एक बंदा है जो कि अगर वो वीडियो देख रहा हो तो मैं उसको भी ये बोलना चाहूंगी कि उसके चैनल पे स्ट्राइक्स जा चुकी हैं, मेरी वीडियोस कॉपी कर रहा था, और अभी कमेंट में आके बार बार और मेल भी कर रहा है मुझे, प्लीज हटा लो स्ट्राइक, हटा लो स्ट्राइक। यार अपने एक्शन लेने से पहले ना चीजें सोचा करो, तुम किसी का काम चुरा रहे हो,
किसी की वीडियोस कॉपी कर रहे हो और कॉपी क्या कर रही, उसने तो वीडियो उठाई डाउनलोड करी अपने रीअपलोड कर दी, मतलब चैनल सनी गुप्ता के नाम पे और वीडियो चल रही है शिवानी तनुशीन फैमिली, मतलब क्या चल रहा है, पकी पका ही कहानी है क्या, मतलब अपनी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो और अब बोल रहा है कि हटा लो हटा लो, क्यों हटा लो भैया, मैं अब तुम्हें इतनी अगर चिंता है तो नया चैनल बनाओ, अपना मेहनत करो उस पे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, मैं तो नहीं हटाने वाली, मैं किसी को माफ नहीं करने वाली। भाई को कंटेंट अगर पसंद आया था तो कंटेंट सुनता, अपने लैंग्वेज में रिक्रिएट कर लेता, कौन सी बड़ी आफत थी। सही बात है, नहीं एक बुक के कितने ऑथर्स अवेलेबल होते हैं, पर कम से कम होते तो अपने खुद के हैं, आपने तो भैया वीडियो शक्ल समय सब कुछ उठाया है, डाउनलोड रीअपलोड खत्म और मजे से व्यू कमा रहे हो। किसी ने तो अभी रिसेंटली तनुषी एंड फैमिली के नाम से सेम नेम मेरा फोटो उठा के फेक चैनल ही बना लिया, बस इतना सा डिफरेंस, पूरा मेरा डिस्क्रिप्शन अबाउट सब कुछ चुरा रहा है, क्या हुआ एट द एंड डिलीट हो गया। तुम कितनी मेहनत कर रहे हो किस बात के लिए कि तुम्हारा एट द एंड डिलीट ही होगा, तुमको इतनी अकल नहीं है कि किसी का काम चुराओगे तो क्या होगा। जिस जगह काम कर रहे हो उस जगह के रूल्स तो पढ़ लो, एक ही दिन में 300 के चैनल हमें नहीं उड़ाया, यूट्यूब ने अपने आप खत्म कर दिया, हमें कंप्लेंट भी नहीं करनी पड़ी। पर यार मेरी सरदर्दी तो इसमें हो रही है ना कि यार मैं तुमको कॉपीराइट या यही सब करने में, कॉपीराइट बाद में तो पहले आके चेक करो अपने उस पे कि किसने कहां से क्या किया, क्या चुराया है। हम मैं इसी में ही सब में टाइम वेस्ट करती रहूं क्या कि कौन वल्गर कमेंट कर रहा है, कौन दूसरी लड़कियों को परेशान कर रहा है, कौन मेरा कंटेंट चुरा रहा है, यार मैं काम कब करूंगी फिर। सॉरी ये प्राइमरी स्कूल नहीं है, सॉरी कि जहां पे हम ये सिखाएं कि लड़कियों से तमीज से बात करो, ये करो वो करो, एक तरफ आप पूछते पूछो, दूसरी तरफ अपने एक्शंस को ध्यान देते। एंड वी आर नॉट सेइंग दिस टू एवरीवन, टू दोस सर्टेन सेगमेंट। यस, तो अभी चैनल में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और जो भी अडल्ट कंटेंट अगर होगा भी आगे तो वो 18 प्लस मार्क किया जाएगा, एज रिस्ट्रिक्शन उस पे होगी। और बाकी तो मैं कोशिश यही करूंगी कि हैशटैग बी बोल्ड का जो सही मतलब है खुद को एक्सप्रेस करना वही उसमें मिले, और अडल्ट कंटेंट होगा भी तो वो बहुत ही कम होगा और उसमें ज्यादातर ये ही चीज होगा कि खुद को एक्सप्रेस कैसे करें, घर वालों से बात कैसे करें, आज की जो न्यू एरा है उसमें खुद को सेट कैसे करें। आपका घर में अगर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि अदर कास्ट में मुझे शादी करनी है, घर वालों को शादी के लिए, मतलब शादी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, घर वाले और एक जो एक नई जनरेशन है उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उससे रिलेटेड मेरे पास टीनेज से रिलेटेड बहुत सारे आती हैं प्रॉब्लम्स और मैं जेन्युइनली चाहती हूं उन पे काम करना। हम उन्हें जस्टिफिकेशन ही नहीं दे पा रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई, और वो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो इग्नोर हो रहे हैं। यस, तो अब से हम उस पर ही काम करने वाले हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा हमने बोल दिया आज की वीडियो में, इसको यहीं अब खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही, और कुछ बोला है आपको? नहीं, थैंक यू सो मच एंड वी रियली अप्रिशिएट, हमारा यहाँ पे किसी भी पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट करने का मोटिव नहीं है, जो लेकिन एक टाइम आ जाता है सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, बट टाइम आ जाता है ना कि जब बोलना पड़ता है, लोग मुझे बोलते हैं इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो, मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, लेकिन कभी कभी इग्नोर से ज्यादा एक्शन की जरूरत होती है, तो अब से आपको मेरा एक्शन ही देखने को मिलेगा। आप लोगों को फिर भी जो सोचना है, जिस जो आपका माइंड सेट बना हुआ है, आप रहो उसमें, लेकिन हमारे चैनल पे ये सारे चेंजेस सबसे होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।